सिर्फ एक मोटो है कि वो ना बी द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। लाइक स्टार्टिंग में जैसे मैं पैदा हुआ धनोरा में, एक छोटा सा गांव पड़ता है हापुड़ के पास, तो वहीं पर मैं स्टार्टिंग में मैंने खेलना स्टार्ट किया अपने दोस्तों के साथ। तो जैसे कि फैमिली को दिख गया था कि मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, कुछ कर नहीं रहा हूँ, खेलता रहता हूँ, तो वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई क्रिकेट की। पहले मैंने ज्वाइन किया वहाँ मेरे शहर में हापुड़ में, मेरा स्कूल हुआ करता था एलन पब्लिक स्कूल, तो वहाँ पे मैंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया स्टार्टिंग में, बिगनिंग में वहीं से स्टार्टिंग हुई। और उसके बाद जैसे मैंने जाना कि अच्छे कोचेज हैं मेरठ में, तो वहाँ पे मैंने क्रिकेट की अपनी जर्नी स्टार्ट की और वहाँ से धीरे धीरे खेलना स्टार्ट किया आगे। तो वहाँ पे मैं मिला विपिन वत्स सर से, जो भूई भाई के भी कोच रह चुके हैं, तो काफ़ी सपोर्ट मिला और काफ़ी कुछ जानने को मिला। और मेरठ में जैसे काफ़ी क्रिकेटर हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे टीम को ऑलरेडी प्रेजेंट कर रहे थे, तो उनसे बहुत कुछ सीखा और उनके साथ खेला, मज़ा आया। खेलने का पहली चीज़ थी कि मैं स्कूल जाता था, लेकिन सबको दिख रहा था कि पढ़ता नहीं हूँ और खेलता रहता हूँ सारे दिन। और कई बार ऐसा हुआ भी, मैंने स्कूल बंक करके खेलना स्टार्ट किया और ट्यूशन छोड़ के खेलने चला गया, तो घर वालों को दिखने लगा कि पढ़ेगा नहीं। तो पापा ने ट्राई किया कि क्रिकेट में मेरे को डालें, तो वहीं से क्रिकेट की मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। सबसे ज़्यादा थैंकफुल मैं अपने पापा को लेकर हूँ, क्योंकि जो भी लाइफ में प्रेशर आए फैमिली पे कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ और काफ़ी लोग बोलते हैं, लेकिन मैं काफ़ी थैंकफुल हूँ माय फादर कि उन्होंने कोई भी चीज़ मेरे तक नहीं पहुँचने दी। उन्होंने जो अनबिलेबल सपोर्ट दिखाया मेरे लिए, जो भी चीज़ें होती थी पीछे फैमिली में कि जो मजाक लेना सब कुछ करना, वो सब पापा ने देखा, मैंने तो सब कुछ देखा नहीं। मेरे को उन्होंने पूरी दुनिया से सबसे अलग रखा हर चीज़ से, कि जैसे एक बच्चा पैदा होता है गाँव में, जैसे आपको पता है माहौल क्या होता है कि वो खेती करता है सब कुछ करता है, तो मेरे को इन सबसे दूर रखा, फैमिली में जो भी दिक्कतें हो रही हैं सब चीज़ों दूर रखा। और जो भी सारे बैड चीज़ें थी सिर्फ मेरे पापा ने फेस की और मेरे को खेलने पर ज़्यादा फोकस रखने दिया। तो मेरी फैमिली एक जॉइंट फैमिली है। जब मैं पैदा हुआ तो सबसे पहले मेरा जो सबसे क्लोज बॉन्ड है वो मेरे नाना जी के साथ था। मेरी दीदी मेरे से काफ़ी बड़ी हैं, तो हम जो तीन लोग हैं, मेरा भैया उज्जवल, नंदिनी और मैं, हम तीनों काफ़ी बचपन में मस्ती किया करते थे, खेलते थे। और मम्मी और ताई जी जैसे कि गांव से बिलोंग करते हैं, तो नॉर्मल हाउसवाइफ, और मेरे पापा और ताऊ जी सिर्फ खेती करते थे। तो सबसे पहले जब मैं 13 साल का था तो मैंने अंडर 14 का ट्रायल दिया, वहाँ से मेरी क्रिकेट की जर्नी स्टार्ट हुई एक लेवल पे। तो वहाँ से मैंने अंडर 14 खेलना स्टार्ट किया, देन अंडर 16। तो अंडर 16 में एक सीज़न आया जहाँ पे मैंने 7 मैचेस में 50 विकेट्स ली, तो वहाँ से मेरे को सिलेक्टर्स ने नोटिस किया कि हाँ एक लड़का परफॉर्म कर रहा है स्टेट लेवल पे। काफ़ी विकेट लिए, हम फाइनल तक पहुँचे और फाइनल हार गए थे। तो वहाँ से मेरे को ज्ञानेंद्र पांडे सर ने देखा और उन्होंने मेरे को बोला कि वो उनको मैं काफ़ी पसंद आया और वो मेरे को काफ़ी आगे प्रमोट करेंगे। तो वहाँ से मैं गया रणजी ट्रॉफी कैंप में, स्टेट में हमारे कैंप हो रहा था रणजी ट्रॉफी का। तो मैं जब वहाँ पहुँचा तो मैं सिर्फ 16 साल का अंडर 16 से लड़का आया था और सब लोग काफ़ी बड़े, तो मैं बहुत चुप चुप था वहाँ से देख रहा था। तो एक इंसिडेंट हुआ कि वहाँ पे रैना भैया भी आए थे और वो प्रैक्टिस करके जा ही रहे थे, तो शायद मैं नहीं जानता कि वो क्यों आए, लेकिन वो ग्राउंड में आ रहे थे और मेरे को सर ने देखा कि आप क्या करते हो। तो मैंने बोला मैं बॉलिंग करता हूँ, उन्होंने मेरे को बॉलिंग करने का चांस दिया नेट में। और वहाँ पे सुरेश रैना भैया वापस आया, उन्होंने मेरे को देखा, तो उन्होंने देख के बोला कि मेरे को तो काफ़ी पसंद है और मैं तेरे को आगे खिलाऊंगा। तो मेरे लिए काफ़ी अच्छी चीज़ थी कि सुरेश रैना, फर्स्ट में उनसे उनको देखा, मैं शौक में था, लेकिन उन्होंने जब मेरे को ये चीज़ बोली मेरे को अच्छा लगा। और एक मजाक सा लगा कि हाँ एक बड़ा प्लेयर छोटे मेरे को बोल रहा है कि मेरे को बोल रहा है कि आप अच्छा कर रहे हो सब कुछ। मेरे को ऐसा बिलीव नहीं हुआ कि सच में मैं आगे खेलूँगा। तो उसी के बाद मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग मोमेंट था कि उन्होंने जैसा बोला मेरा नाम सीधा रणजी ट्रॉफी टीम में आया और वहाँ से मेरा रणजी करियर स्टार्ट हुआ। देन उसके बाद अंडर 19 वर्ल्ड कप, ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। तो अंडर 19 वर्ल्ड कप से पहले काफ़ी टफ रहा मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए। लाइक जैसे मैं रणजी ट्रॉफी खेला, तो रणजी ट्रॉफी के बाद मैं अंडर 19 क्रिकेट को मैंने ज्वाइन किया और वहाँ पे मेरे को एक इंजरी हुई। फर्स्ट मेरा एक वार्म अप सेशन में मेरा पैर फ्रैक्चर हुआ, और तब अंडर 19 वर्ल्ड कप ऑलरेडी चल रहा था, एक अंडर 19 वर्ल्ड कप चल रहा था, तो तब मेरा पैर फ्रैक्चर हुआ। उसके बाद जब मेरा पैर रिकवर हुआ तो उसके बाद मेरे को ग्रोइंग इंजरी हुई, स्ट्रेस रिएक्शन।
तो उस टाइम पे मेरे को पता नहीं था कि इसको हील कैसे, ये हील कैसे होगा और कैसे से रिकवरी होगी। तो मैं बार बार मैं और मेरे फादर काफ़ी मेहनत कर लेते इस चीज़ के लिए कि हम डॉक्टर के पास जा रहे थे, MRI हुआ, उसके बाद काफ़ी चीज़ें हुई कि हर 2 महीने बाद मेरे को हर डॉक्टर बोलता था कि आपको शायद नेक्स्ट डॉक्टर को दिखाना होगा या नेक्स्ट फिजियो को दिखाना होगा, लेकिन रिजल्ट कुछ आ ही नहीं रहे थे। तो ऐसे में काफ़ी टफ हो गया था मेरे लिए कि बहुत सारी क्रिकेट छूट रही थी, काफ़ी चीज़ें U19 सीरीज, रणजी ट्रॉफी, शहीद मुश्ताक ट्रॉफी, मैं अवेलेबल नहीं रह पा रहा था किसी चीज़ के लिए भी। और फैमिली के लिए काफ़ी टफ हो गया था सर्वाइव करना, लाइक फैमिली के लिए भी टफ टाइम था कि फैमिली कहाँ से खाएं, कैसे सर्वाइव करें, वो भी बहुत दिक्कत हो गई थी। तो उस टाइम पे पापा ने डिसाइड किया कि वो हमारे पास जैसे 12 बीघे ज़मीन थी उस टाइम पे, तो हमने 4 बीघे बेच दी थी कि पैसे चाहिए, क्या नाम है, खाने के लिए या मेरी बहन के पढ़ाई के लिए या मेरे को इलाज के लिए पैसे चाहिए। तो उस टाइम ज़मीन बेचना हुआ, उसके बाद भी इलाज चल रहा था लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा था कि हर 2 महीने बाद कि अभी ये हो गया है, कभी MRI में कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। तो उसके बाद वहाँ पे मैंने UPCA को कॉल किया और उनसे बोला कि मेरे को NC जाना है, कि मेरे को कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है कहीं से। देन वहाँ पे मैं NC गया, NC में भी गया तो भी मेरे को एक न्यूज़ मिली कि मेरे को 5 से 6 महीने भी और खेलना होगा। 5 से 6 महीने खेलने के बाद मैं ठीक हुआ, बेटर चीज़ है, लेकिन जैसे मैं U19 11-12 महीने में रिहैप करके वापस U19 क्रिकेट मैंने ज्वाइन किया कि अब लगा कि अब मैं यहाँ से परफॉर्म करूँगा, वापस ऊपर जाऊँगा, लेकिन मैंने जैसे एक दो मैच खेले, एक दो मैच बाद सेम पेन मेरे को वापस आना स्टार्ट हुआ और सेम इंजरी मेरे को वापस हो गई। तो उस टाइम पे सर्वाइव करना काफ़ी टफ था कि मैं अपनी फैमिली को भी नहीं बोल सकता था कि अभी मैं फैमिली को भी कैसे बोलूँ कि, क्योंकि घर में ऑलरेडी लोग परेशान हैं कि मैंने अभी चलो 11-12 महीने बाद मैंने खेलना स्टार्ट किया है, तो काफ़ी लोग खुश है, लेकिन उनको बोलूँगा तो उनको वापस इससे दिक्कत होगी। तो मैंने हाइड किया सबसे कि मैं किसी को ना बताऊँ और कंटिन्यू करूँ स्पेन में खेलने के साथ। तो मैं हर मैच से पहले मेडिसिन लेता था, एक पेन किलर लेता था और मैच खेलता था U19 का। तो मेरे पास एक ऑप्शन था कि वहाँ से मेरा सिलेक्शन हुआ U19, 2 टीमें बनाई गई U19, इंडिया ए और इंडिया बी। तो मेरा सिलेक्शन हुआ इंडिया ए के लिए। तो वहाँ से मेरा थॉट था कि अगर मैं इस टूर्नामेंट को खेलने के बाद बोलता हूँ कि मेरे को इंजरी है तो काफ़ी बेटर होगा कि मैं ऑलरेडी U19 खेल चुका हूँ और परफॉर्म करूँगा, तो मेरे लिए आगे खेलना बेटर भी होगा यहाँ से, और मेरे को इलाज के लिए अपने पैसे भी नहीं लगाने पड़ेंगे, क्योंकि काफ़ी टफ था ये चीज़ दोबारा बोलना फैमिली के लिए भी। तो वहाँ पे मैंने खेला U19 खेला, उसके बाद मैंने सर को बोला कि सर मेरे को वापस से पेन आ रहा है वापस। उन्होंने फिर मेरे को NC भेजा, तो काफ़ी ईजी था कि मेरे को अपनी तरफ से खर्चा नहीं करना पड़ रहा था और वहाँ पे मेरी अच्छी से रिकवरी हुई और वापस फिर मैंने कमबैक किया U19 में। लेकिन स्टिल मैंने एक सीरीज़ खेली, सीरीज़ के बाद मेरे को स्ट्रेस रिएक्शन बोन में हुआ लेफ्ट साइड, तो फिर एक तरीके से काफ़ी टूट चुका था मैं कि बार बार चीज़ें सेम आ रही हैं, वर्ल्ड कप आ रहा है, मैं एक दो मैच खेलता हूँ वापस टूट जाता हूँ, 5-6 महीने में के लिए बाहर हो जाता हूँ मैं। काफ़ी क्रिकेट छूट रही थी, बहुत सारी सीरीज छूट चुकी थी, बहुत सारे स्टेट के मैचेस छूट चुके थे, तो बहुत टफ था। लेकिन वही चीज़ की करते रहना वही थॉट में था, वही मेरे पापा मुझे बोल रहे थे कि करते रहना है और जो भी पीछे पैसे कहाँ से आने हैं, सब कुछ कैसे करना है, बहन का पढ़ाई कैसे होनी है, घर में खाना, वो सब मेरे पापा देखते रहे, कभी उसका प्रेशर मेरे पर नहीं डाला। मैंने पापा से पूछा भी कि ये सब आप कर कैसे रहे हो, तो हमेशा पीछे सपोर्ट था कि मेरे पर कभी प्रेशर नहीं आया। जैसे हर पेरेंट्स अपने बच्चे को बोलते हैं, बोलना चाहूँगा ये चीज़ कि आप बच्चों को प्रेशर डालते हैं कि बहुत पैसा लग रहा है सब कुछ, मेरे पापा ने बहुत डिफरेंटली मेरे को ट्रीट किया, उन्होंने कभी मेरे प्रेशर नहीं डाला, उन्होंने मेरे को उल्टा बोला कि तेरे को इस चीज़ के बारे में कभी नहीं सोचना कि मैं पैसे कहाँ से ला रहा हूँ, मैं कैसे कर रहा हूँ। तो वो करते रहे और मेरे पर कभी प्रेशर नहीं आया, मैं फ्री माइंड खेलता रहा। तो मैं वापस रिकवर हुआ, U19 एक टूर हो रहा था वर्ल्ड कप से पहले, एक ब्लेस की तरह वो टूर आया मेरे लिए वर्ल्ड कप से पहले, क्योंकि मैं कोई ट्रॉफी भी नहीं खेला था, कि मेरे को लग नहीं रहा था मैं सिलेक्ट हो पाऊंगा, किस बेस पे मैं सिलेक्ट होऊंगा मेरे को पता नहीं था। तो एक टूर आया वहाँ पे, राहुल सर को मैं काफ़ी पसंद था, तो वहाँ पे मेरे को चांस मिला कि वहाँ पे मैं जाके खेलूँ और परफॉर्म करूँ। वहाँ पे मैं गया, राहुल सर आए हुए थे, सभी लोग थे, काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, मैच जीते, वहीं से मैं उन लोगों को पसंद आया और मेरे को सिलेक्ट किया गया U19 वर्ल्ड कप के लिए। ऑफकोर्स जो चीज़ मैं आज तक सुनते हैं, जो चीज़ मैंने आज तक किसी भी इंसान से सीखी, कोई भी बड़ा इंसान जो कोई भी मेरी लाइफ में बहुत ऊपर स्टेज पे है, नॉट जस्ट क्रिकेट के अंदर, कोई भी स्टेज पे, कि हमेशा टफ टाइम आते हैं, जो इंसान स्ट्रॉन्ग उन्हीं चीज़ों से बनता है जब वो कुछ चीज़ें फेस करता है। तो सबसे बेटर चीज़ है कि आप हमेशा, मैंने एक ही चीज़ अपने आपको बोली कि जो भी चीज़ चल रही है, जो भी चीज़ आ रही है, या मेरे को इंजरी हो रही है, मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरे कंट्रोल में है खेलना जो भी, जब भी मैं अवेलेबल रहूँ, तो जो भी मेरे हाथ में मैं वो करूं और हमेशा आगे बढ़ता रहूं।
2011 का वर्ल्ड कप वही एक ऐसी चीज़ है क्रिकेट में जो मैंने सारे मैचेस सारे देखे थे और आखिर तक देखे थे। लाइक पहले जब स्टार्ट किया था तो एक छोटा बच्चा क्रिकेट को इस तरीके से देखता था कि कौन जीतता है कौन हारता है, लेकिन उसके बाद से क्रिकेट समझना स्टार्ट किया था 2011 वर्ल्ड कप से। जैसे मैंने युवराज सिंह मेरे को काफ़ी पसंद थे 2011 के वर्ल्ड कप में और इंडिया जीता, तभी वही मेरा फर्स्ट मेमोरी और मज़ा आया काफ़ी। लाइक जब मेरा सिलेक्शन आईपीएल में हुआ तो काफ़ी ऑफकोर्स काफ़ी अच्छा मोमेंट था सबके लिए, मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए। सबसे पहली चीज़ कि जिन लोगों को देख के हमने इंस्पायर होकर खेलना स्टार्ट किया था, जिन लोगों को हम टीम में देखते हैं वहाँ पे खेलने का मौका मिलेगा। हर एक बच्चा खेलता है टीवी पे आने के लिए और आज मेरा उस चीज़ पे सिलेक्शन वहाँ पर सिलेक्शन हुआ तो काफ़ी अच्छा मोमेंट था, मज़ा आया। उस टाइम पे हम अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए जा रहे थे और अंडर 19 वर्ल्ड कप में परफॉर्म किया, उसके बाद हम आईपीएल के लिए आए तो काफ़ी बड़ा मोमेंट था। लाइक इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया शायद इससे बड़ा कोई मैच है क्रिकेट के लिए कि ये दो वर्ल्ड की बेस्ट टीम टेस्ट मैचेस में खेल रही थी और काफ़ी टफ कंपटीशन हो रहा था वहाँ पे और मेरे को वो देखने का मौका मिला। सभी लोगों को जैसे शामी, मोहम्मद शामी, जसप्रीत बुमराह, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, तो इन लोगों को मैं देख पा रहा था मैचेस में क्या क्या चीज़ करते हैं, तो जो वहाँ से एक्सपीरियंस मैंने गेन किया वो काफ़ी अमेजिंग है मेरे। जब मैंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया तो मेरे सबसे जो फेवरेट प्लेयर थे उस टाइम पे जब मैंने बॉलिंग करना स्टार्ट किया सबसे पहले जो मेरी इंस्पिरेशन थी वो थे भुवनेश्वर कुमार, तो उनकी वजह से मैं एसआरएच को ही सपोर्ट करता था। जिस टीम में भी भुवनेश्वर कुमार होते थे तो मैं उस टीम को काफ़ी पसंद करता था ऑटोमेटिकली। जैसे जैसे खेलना स्टार्ट किया और ऊपर कॉम्पिटिशन आना स्टार्ट हुआ तो यही सब लोग तरीके से कॉम्पिटिशन मानना स्टार्ट कर दिया कि अब इन सबसे कॉम्पिटिट करना है। तो मैं 2 साल RR के लिए खेला, उसके बाद मेरे को SRH ने पिक किया, तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में काफ़ी कुछ था कि जैसे माहौल मेरे को पहले मिला है क्या वो नेक्स्ट टीम में होगा, लेकिन जब मैं आया वही सब चीज़ें कि काफ़ी अच्छा लगा वापस आके कि इधर जो माहौल है शायद मैंने कभी किधर देखा है कि इसके बाद नीचे जाने का आपको कहीं पर भी जाने का मन नहीं करता। जो फैमिली वाला सपोर्ट इधर मिलता है कि आप अच्छा करो या बुरा करो, जो माहौल जो बॉन्ड टीम शेयर करती है शायद वो स्पेशल है। लाइक मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि अंडर 16 के बाद रहना भैया एक भगवान की तरह मेरे लिए, क्योंकि जब लोगों ने मेरे को जानना स्टार्ट किया वो उसी मोमेंट से जानना स्टार्ट किया जब मैं रणजी ट्रॉफी के लिए सिलेक्ट हुआ। जैसे मैंने बोला कि अंडर 16 खेलने के बाद मैं सिर्फ वहाँ पे नेट में बॉलिंग करने के लिए गया था और रैना भैया सिर्फ वापस आ रहे थे, किस वजह से आ रहे थे मैं नहीं जानता, लेकिन वो सिर्फ ग्राउंड पे वापस आ रहे थे किसी काम से और उन्होंने मेरे को सिर्फ जस्ट बॉल करते देखा और वहाँ से उन्होंने मेरे को बोला कि मैं आगे खिलाऊंगा और मैं आगे खेला भी। तो वही एक मोमेंट था जहाँ से लोगों ने मेरे को जानना स्टार्ट किया और मेरी ये सब जर्नी स्टार्ट हुई।